हेलो बच्चों हाय एवरीवन चलिए बच्चों मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट के डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं देखो बच्चों अभी तक हम बातचीत कर रहे थे कि कोई भी करेंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करेंट फ्लो हो रहा है आई अगर मैं इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ तो इस पर अप्लाई होगा मैग्नेटिक फोर्स विच इज इक्वल टू आया था हमारा आई एल बी साइंस थीटा ठीक है हमने यहाँ पर करेंट कैरिंग कंडक्टर को भी रखा इसके अंदर बेटा मैंने करेंट कैरिंग लूप को भी रखा था सिंपल ठीक है हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में भी रखा और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में भी रखा और फिर हमने कैलकुलेट किया कितना मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा और कैसे कैसे न्यूमेरिकल हमारे यहाँ पर फ्रेम हो सकते हैं चलिए बच्चों इस डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं आज बातचीत करते हैं कि टॉर्क कितना अप्लाई होगा तो आज का हमारा पहला टॉपिक है टॉर्क ऑन अ करेंट कैरिंग आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज टॉर्क ऑन ए करेंट कैरिंग टॉर्क ऑन ए करेंट कैरिंग देखो बच्चों ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लो कि ये कहने का मतलब है क्या है मान लो आपको कोई भी बेटा ये हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है मान लो आपको बेटा ये कोई भी एक हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है जिसकी स्ट्रेंथ है अपनी बी right? राइट और इस हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये कोई भी एक लूप रखा हुआ है कोई भी एक करंट कैरिंग लूप हमने हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है करेक्ट और आपको बोला है इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है आई ये जो करंट कैरिंग लूप है इस करेंट कैरिंग लूप में करेंट रहा है अपना से इसका नाम मैं बोल देता हूं बेटा इसका नाम है अपना एबीसीडी क्लियर तो देखो बच्चों आपने पढ़ा है जैसे ही मैं करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा सेम वे में ये लूप भी करंट कैरिंग कंडक्टर से मिलके बना है तो यहां पर मैं बोल दूंगा इसकी ब्रांचेस पर भी मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रहा होगा सिंपल आपने एक और टर्म पढ़ रखी है फोर्स के बाद हम पढ़ रहे होते हैं बेटा टॉर्क अब चेक करते हैं कि इस पर टॉर्क कितना अप्लाई होगा और हम ये भी निकालने वाले हैं इस पर फोर्स कितना अप्लाई होगा देखो बच्चों आपको दिया हुआ ये कोई भी लूप है यहाँ पर ये इसकी एक एक्सेज है अगर मैं बेटा इसकी साइड्स की बात करूं तो आपको बोला है कि बेटा इसकी लेंथ है एल इसकी जो लेंथ है इज डेटिजा एल और इसकी जो ब्रथ है इज डेटिजा क्लियर? अगर बेटा मैं यहां पर बात करूं फोर्स ऑन ए बी सी डी लूप कि इस पर टोटल कितना फोर्स अप्लाई हो रहा होगा तो देखो बच्चों ये पूरा एंटायल लूप है जिसको मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है अगर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो इस एंटायल लूप पर मैग्नेटिक फोर्स तो क्या होगा जीरो आपने पढ़ रखा है अगर कोई भी करंट कैरिंग लूप को मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो उस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स होगा अपना जीरो सिंपल डेट मीन इस पर नेट फोर्स तो जीरो है बट अगर मैं एक एक ब्रांच पे फोर्सेस को लिखना स्टार्ट करूं एक एक ब्रांच पर एनालाइज करते हैं कितना फोर्स लग रहा होगा जैसे अगर बेटा मैं पहली वाली ब्रांच पे देखता हूं तो इसकी लेंथ भी इधर है मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है तो इस ब्रांच पर तो कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं राइट right? अगर मैं इस वाली ब्रांच पे बातचीत करूं तो लेंथ इधर है मैग्नेटिक इधर है है एंगल यहां यहां पर 90 बन रहा तो यहां फोर्स तो फोर्स लगेगा और अगर डायरेक्शन लिखोगे फोर फिंगर को मैग्नेटिक को तो तो जा रहा है तो मैं बोल दूंगा इस पर जो ये फोर्स में अगर मैं इस वाली वायर पर बातचीत करूं तो इस पर भी फोर्स की वैल्यू अपनी क्या आएगी जीरो बट अगर मैं ईडी वायर को चेक करूं तो फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड मिडल को करेंट तो इस पर भी फोर्स अप्लाई होगा जो कि अंदर की तरफ जा रहा आई बात समझ में तो कहने का मतलब क्या है बच्चों? इस बात को आप ऐसे समझ लो मान लो ये कोई भी आपका एबीसीडी लूप है इस लूप में ये वाली जो ब्रांच है इस पर फोर्स जीरो इस पर भी अपना फोर्स जीरो है एक तो बेटा इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है एक इस वाली साइड पे फोर्स अप्लाई हो रहा है राइट right? अगर मैं यहां पर बातचीत करूं तो इस पर फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ और इस पर फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ सिंपल जितना फोर्स बाहर लग रहा है उतना ही अंदर लग रहा है तो नेट फोर्स तो कितना हो गया अपना जीरो और जो मैंने आपको सीधा सीधा भी बताया नेट फोर्स जीरो होगा बट अगर इस चीज को ऐसे इमेजिन किया जाए जैसे ये नोटबुक है एक रस्सी को मैं इस एंड पे बांध देता हूं एक रस्सी को मैं इस एंड पे बांध देता हूं और इन दोनों रस्सी को पकड़ के मैं खींचूं तो इस पर फोर्स तो जीरो है लेकिन रस्सी को खींचने पर ये पूरा जो मोबाइल है ये रोटेट हो जाएगा बता रही है समझ में कहने का मतलब क्या है जैसे ही मैं इन रस्सियों को पकड़ के खींचता हूं तो ये जो लूप है ये अपना रोटेट हो जाएगा और अगर ये रोटेट होगा तो इस पर कोई ना कोई टॉर्क तो अप्लाई होगा कहने का मतलब बस इतना सा है कि कोई भी करंट कैरिंग लूप को अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर अप्लाई होगा टॉर्क जिसके कारण वो रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा आर ये बात समझ में कि नेट फोर्स तो बेटा यहां पर जीरो है लेकिन इस पर टॉर्क अप्लाई होगा अब देखिए कितना यहाँ पर टॉर्क अप्लाई होगा कितना यहाँ पर फोर्स अप्लाई होगा इसको चेक करते हैं। जैसे अगर मैं लिखता हूँ फोर्स ऑन बीसी वायर तो आपने पढ़ा है फोर्स होता है अपना आई एल बी साइन थीटा। अगर इस तरीके से मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगा तो आप बोल सकते हो बेटा करेंट है इसमें आई लेंथ है एल मैग्नेटिक फील्ड बी है एंगल नाइनटी है तो साइन नाइन्टी हो गया करेक्ट अगर मैं लिखता हूँ बेटा फोर्स ऑन ए डी वायर तो सेम फॉर्मूला आप फॉलो करोगे आई एल बी साइन थीटा यहाँ पर बेटा करेंट है आई लेंथ है एल मैग्नेटिक फील्ड है बी एंगल है नाइन्टी तो ये भी आएगा आई एल बी बट दोनों अपोजिट में तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा राइट right? फोर्स लिख लिया अगर इस फोर्स के कारण मैं चेक करूं तो ये अपनी इस वाली एक्सेस के रेस्पेक्ट में ये रोटेट हो गया है दिख रहा है और ये वाली डिस्टेंस है कितनी है ये बी बाई टू और ये भी कितना है बी बाई टू तो ओवरऑल बेटा यहां पर अप्लाई होगा टॉर्क अगर मैं लिखूं टॉर्क ऑन लूप ड्यू टू बी सी फोर्स तो आपने पढ़ा है बेटा टॉर्क डेट इज इक्वल टू होता है आर एफ थीटा राइट अगर मैं यहां पर लिखता हूं बेटा वैल्यू ऑफ टॉर्क तो डिस्टेंस इसकी रोटेशनल एक्सिस से है बी बाई टू फोर्स अप्लाई हो रहा है अपना आई एल बी लेट से ये थीटा एंगल पे होता तो यहां पर ही हो जाता साइन थीटा सिंपल कि पहले वाले फोर्स के कारण ये आता सेम अगर मैं सेकेंड वाले फोर्स के लिए भी टॉर्क लिखता तो इसकी भी डिस्टेंस अपनी कितनी है बी बाई टू इस पर भी लगने वाला फोर्स बच्चों हमारा कितना है आई एल बी लेट से ये भी हमारा थीटा पोजीशन पर है तो इस पर भी लगने वाला टॉर्क अपना आ रही बात समझ में कि जैसे ही करेंट कैरिंग लूप को मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इस पर ओवरऑल अप्लाई होगा टॉर्क और अगर बेटा मैं यहां पर बोलू इक्वल टू होगा वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल टॉर्क अगर मैं यहां पर इनकी डायरेक्शन चेक करूं तो आर एफ साइन से डायरेक्शन निकालते हैं बेटा राइट हैंड रूल से र एफ से इसमें नीचे की तरफ जाएगा आर एफ से इसमें भी नीचे की तरफ जाएगा दोनों में जो टॉर्क की डायरेक्शन आएगी वो सेम डायरेक्शन में आएगी इसलिए मैं बोल सकता हूं इनको हम डायरेक्टली एड कर देंगे तो ये हो गया हमारा b बाई टू आई एल बी साइन थीटा प्लस बी बाई टू आई एल बी साइन थी में अगर मैं यहाँ से लिखूँगा नेट टॉर्क देखिए डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इससे एक अंडरस्टैंडिंग हमारी क्रिएट होती है अगर मैं इसे लिखता हूँ आई लेंथ इन टू ब्रेथ मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई सा लेंथ इन टू ब्रेथ ये जो हमारा रेक्टेंगुलर लूप है लेंथ इन टू ब्रेथ क्या हो जाएगा इसका एरिया तो मैं यहाँ पर बोल दूंगा टॉर्क ऑन द लूप विच इज इक्वल टू होगा बेटा हमारा आई ए बी साइन और अगर बेटा इसे आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ये आएगा आई आए, एरिया वेक्टर क्रॉस ऑफ मैग्नेटिक एंड हेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड ऑफ मैग्नेटिक तो सिंपल सा है कि कोई भी अगर करंट कैरिंग लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर टॉर्क अप्लाई होगा टॉर्क होगा बेटा आई ए बी थीटा। इफ एन टर्न्स आर प्रेजेंट जैसे जो कॉइल है अगर उसके अंदर एन टर्न्स प्रेजेंट हो एक कॉइल फिर एक और कॉइल इस तरीके से एंड टर्न अगर कॉइल में प्रेजेंट हो तो जो नेट टॉर्क है विच इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एन आई ए बी साइन थीटा नेट टॉर्क डेट इज इक्वल टू हमारा क्या बन जाएगा बच्चों एन आई ए बी साइन थीटा ठीक है जिसको आप लिख सकते हो टॉर्क वेक्टर डेट इज इक्वल टू एन आई एरिया वेक्टर क्रॉस ऑफ मैग्नेटिक ये इसकी कहानी है और इसकी यूनिट वर्क के बारे में तो आपको पता ही है कि इसकी यूनिट क्या हो जाएगी अपनी न्यूटन मीटर आ रही बात समझ में तो देखिए बच्चों जो कॉन्सेप्ट बना वो क्या है कि कोई भी करंट कैरिंग लूप को जैसे ही मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो ओवरऑल इस पर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा एंड बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक ओवरऑल इस पर मैग्नेटिक टॉर्क अप्लाई होगा एंड बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक टॉर्क ये भाई साहब रोटेट होना चालू कर देंगे और अगर ये रोटेट होंगे तो कितना टॉर्क यहाँ पर लग रहा होगा विच इज इक्वल टू होगा एन आई ए बी साइड डेटा अरे बात समझ में चलिए तो ये वाला डायग्राम बना के पहले फर्स्ट पेज आप कॉपी कर लो फिर सेकेंड पेज को लिखेंगे लिख लो तो बच्चों से

चलिए न्यूमेरिकल की बातचीत कर लेते हैं कैसे न्यूमेरिकल हमारे यहाँ पर बन जाते हैं देखो बच्चों जैसे मैं ऐसा बोल देता हूँ आपको दिया हुआ बेटा ये कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ठीक है ये कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये कोई भी एक लूप रखा हुआ है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये कोई भी एक लूप रखा हुआ है और इस लूप में करंट फ्लो रहा है अपना आई आपको बोला है बेटा रेडियस ऑफ दिस लूप दैट इज इक्वल टू है आर इसको मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो आपको बताना है इस पर फोर्स कितना अप्लाई होगा आपको बताना है इस पर टॉर्क कितना अप्लाई होगा मैग्नेटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक टॉर्क की वैल्यू क्या होगी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एकदम यूनिफॉर्म फील्ड है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये कोई भी लूप रखा हुआ है तो फोर्स एंड टॉर्क की वैल्यू को मुझे डिटरमाइन करना है कि वो क्या होगा किस तरीके से इसको किया जाए सॉल्व करें कि अपना फाइनली आंसर यहाँ पर डिटरमाइन हो जाए देखो जो सॉल्व कर रहे हैं वो अपना सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो बाकी मेरे साथ समझ लो बेटा ये कोई भी एक करंट कैरिंग लूप है इस लूप को मैंने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है और जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है ये ही अपना यूनिफॉर्म है तो मैं बोल सकता हूं इसका जो लेंथ फैक्टर आएगा ये तो अपना जीरो होगा ओवरऑल इस पर लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो अपना जीरो ओवरऑल इस पर लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स होगा ये मैग्नेटिक फोर्स अपना जीरो होगा राइट बट अगर मैं यहां पर टॉर्क की बातचीत करूं तो टॉर्क यहां पर जीरो ना होगा टॉर्क होगा अपना आई ए बी साइकिल अगर मैं यहां वैल्यू पुट करता हूं तो बेटा टॉर्क करंट है इसमें आई इसका एरिया होगा पाई पाईआर स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड है अब बात आती है एंगल कितना होगा तो देखिए बेटा मैग्नेटिक फील्ड तो एक्स एक्सिस में है एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के आउटवार्ड होता है जो करंट की डायरेक्शन है उसमें फिंगर्स को टर्न करो तो थम अंदर जा रहा है एरिया वेक्टर है अंदर और मैग्नेटिक फील्ड है हमारा एक्स एक्सिस में तो एंगल यहां पर हो जाएगा अपना नाइनटी आई बात सोच में ओवरऑल अगर बेटा आप यहां पर टॉर्क की वैल्यू लिखोगे तो ये आ जाएगा पाई आई बी आर स्क्वायर इतने अमाउंट का टॉर्क इस करेंट कैरिंग लूप पर अप्लाई होगा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक टॉर्क ऑन दिस लूप विच इज इक्वल टू होगा दिस वन पाई आई बी आर स्क्वायर आ रही बात समझ में तो ये एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट है टॉर्क पर प्रॉब्लम आए अगर डायरेक्शन की बात करो कि ये आर है ये बेटा एरिया वैक्टर है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड वैक्टर है ठीक है आर से ऐप तक बेंड किया तो ये नीचे जा रहा है दैट इज माइनस के ठीक और ये लूप रोटेट कैसे होगा एरिया वेक्टर अंदर है बी इधर है इस तरह से फिंगर्स घूम रही हैं तो ये ऐसे रोटेट होने वाला इस तरीके से ये आगे बात समझ में ठीक है तो कोई भी लूप को अगर रखा जाए तो इस पर फोर्स आना कि जीरो होगा लेकिन इस पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारा जीरो मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा लेकिन मैग्नेटिक टॉर्क अपना जीरो नहीं करेक्ट चलिए जैसे बेटा अगला क्वेश्चन आपको है ना एरिया वेक्टर की फॉर्म में दे देता है जैसे मैं ऐसे बोल देता हूं मान लो आपको बेटा ये कोई भी एक मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है ठीक है यह मैग्नेटिक फील्ड है और यहां पर बेटा ये कोई भी एक लूप रखा हुआ है ये कोई भी लूप यहां पर रखा हुआ है जो इससे थर्टी डिग्री एंगल पर इसमें करंट फ्लो हो रहा है अपना आई ठीक है एरिया है इसका एर। तो आपको बताना है इसमें लगने वाला टॉर्क कितना होगा जैसे मैंने इनकी वैल्यूज नहीं दी है एरिया लेंथ करंट और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी दे सकता है ठीक है मुझे तो एक कॉन्सेप्ट आपको यहां पे सिखाना है कॉन्सेप्ट है क्या है जैसे आपको निकालना है बेटा यहाँ पर लगने वाले टॉर्क की वैल्यू क्या होगी तो देखो बच्चों आपने पढ़ रखा है टॉर्क डेट इज इक्वल टू होता है हमारा आई ए बी साइन थीटा। टॉर्क की वैल्यू क्या होती है अपनी आई ए बी साइन थीटा। आई होती है बेटा इसमें फ्लो होने वाली करंट, ए होता है एरिया बी होता है मैग्नेटिक फील्ड और थीटा है एंगल अगर मैं इस तरीके से यहां पर लिखता हूं वैल्यू ऑफ टॉर्क तो करेंट तो है आई एरिया ए है मैग्नेटिक फील्ड बी है ओनली यहां पर मुझे आपको एंगल को सिखाना है एंगल क्या लिखोगे तो ऑल टाइम एरिया वेक्टर बेटा एरिया जिस प्लेन में ये रखा हुआ है उसके परपेंडिकुलर होता है डेट मीन्स अगर इनका एंगल लिखा जाएगा तो यहां पर बेटा ये एरिया वेक्टर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड से ये वाला एंगल रहा है जो कि है सिक्सटी तो आपको ऐसे एंगल में कभी भी कंफ्यूज कर सकता है लेकिन आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर जो एंगल की वैल्यू आई थी वो थर्टी ना होकर सिक्सटी होगी बस ये वाली लर्निंग मुझे आपको देनी थी आ रही बात समझ में सिंपल एकदम आसान सा है कि कोई भी करंट कैरिंग लूप को अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो इस पर कितना टॉर्क अप्लाई होगा विच इज़ इक्वल टू होगा हमारा एन आई ए बी साइन थीटा यहाँ पर थीटा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है एकदम छोटा सा टॉपिक है क्वेश्चन इस पर बन सकता है हालांकि इसके एप्लीकेशन की भी अभी हम बातचीत करेंगे इसका क्या एप्लीकेशन है और कैसे कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर बन सकते हैं क्लियर है ये चीज चलिए अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं अगली बातचीत करते हैं देखो बच्चों अगला हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, विच इज डिनोटेड by... बाई ए क्या चीज है अब इसको समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में हम बातचीत कर लेते हैं देखो भाई जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में टर्म पढ़ी थी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट

सेपरेटेड एट फाइनाइज डिस्टेंस ठीक है फाइनाइज डिस्टेंस पर दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज पार्टिकल को हम रख रहे थे और ये जो डाइपोल मोमेंट था यहाँ पर ये इस डाइपोल की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करके बताता था कि इस डाइपोल की स्ट्रेंथ कितनी होगी कितना ज्यादा ये पावरफुल है कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर पाएगा या कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फोर्स ये अनोदर चार्ज पार्टिकल पर लगा पाएगा ठीक है तो ओवरऑल इसकी जो स्ट्रेंथ को डिसाइड करने का फैक्टर था उसको हमने बोला था इलेक्ट्रिक ठीक है जो कि हमारा आया था बेटा चार्ज सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन चार्ज ये वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था क्लियर सेम वे में देखो बच्चों यहां पर हम डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट सेम हम यहां पर बातचीत करते हैं बेटा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या चीज़ है तो एक्चुअल में जैसे मैं मैग्नेट से आपको समझाऊं तो मैग्नेट में आपने पढ़ रखा है दो पोल होते हैं एक साउथ पोल और एक होता है नॉर्थ पोल हालांकि मैग्नेट के बारे में हम डिटेल में बातचीत करेंगे लेकिन मैं आपको टॉपिक को कनेक्ट करने के लिए बता रहा हूँ साउथ पोल को हम बोलते हैं बेटा नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ नॉर्थ पोल को बोलते हैं पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ तो एक्चुअल में मैग्नेट भी दो इक्वल एंड अपोजिट पोल्स का कॉम्बिनेशन होता है तो मैग्नेट अपने आप में बिहेव करता है एज अ टाइम या मैं ऐसे बोलूं कि आपको बेटा कोई भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर दिया हुआ है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है आई तो ओवरऑल ये करंट कैरिंग कंडक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा सीधी सी बात है ये भी क्या प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड इसकी डायरेक्शन हमारी किधर होगी राइट बार अगर ये करेंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो मैं बोल सकता हूं कि ये खुद अपने आप में एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा जिसके कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ठीक है ओवरऑल मैं बोल सकता हूं कि ये बिहेव करेगा एज अ टाइप ओवरऑल कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है या लूप है तो वो बिहेव करेगा एज अ टाइप आ रही बात समझ में सिंपल कोई भी करंट कैरिंग लोग कैसे बिहेव करेगा एज अ डाइपोल एंड द स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल इज नोन एज डाइपोल मोमेंट डाइपोल मोमेंट क्या होता है बेटा स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल जितना ज्यादा स्ट्रांगर मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस कर रहा है उतना ज्यादा इसका डाइपोल मोमेंट है सीधी सी बात है ठीक है तो इस चैप्टर में हम आर्टिफिशियल मैग्नेट डैथ मीन्स करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए बातचीत कर रहे हैं तो करंट कैरिंग कंडक्टर भी एक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा और इसकी जो स्ट्रेंथ है उसको मेजर करता है डाइपोल मोमेंट इसको हम डिनोट करते हैं एम से ये बोलता है डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट इन द कंडक्टर देखो सोच के देखो जितना ज्यादा पावरफुल करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा स्ट्रांगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा डेट मींस जितना ज्यादा करंट है उतनी पावरफुल मैग्नेट ये बन रही है उतना ज्यादा इसका डाइपोल मोमेंट होगा तो डाइपोल मोमेंट एक तो डिपेंड करता है करंट पर सेकंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया जितना ज्यादा एरिया होता है उतना ज्यादा डाइपोल मोमेंट भी होता है ओवरऑल बेटा अगर मैं कंबाइंड करके लिखता हूं तो यह आता है आइए प्रपोजनल साइन हटाता हूँ तो एक कांस्टेंट आ जाता है जिसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली प्रूफ होती है वन तो ओवरऑल हम बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डेट इज इक्वल टू होता है एन वेक्टर तो फॉर्म में लिखा जाए तो ऐसे और अगर बेटा एन टर्न्स भी रिप्रेजेंट है यहाँ पर तो फॉर एन टर्न्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो जाता है एन ठीक है वैसे आपने पढ़ा है टॉर्क का फॉर्मूला आया था हमारा एन आई ए बी साइन थीटा यहां पर एन आई ए को हम क्या लिख सकते हैं एम तो ये बन जाता है हमारा एम बी साइन आई बात सच में नहीं आई तो एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट है एक टर्म होती है इलेक्ट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जो कि मैग्नेट की स्ट्रेंथ को डिनोट करता है जितना ज्यादा डाइपोल मूवमेंट होगा उतना स्ट्रेंथ वाली मैग्नेट फॉर्म होने वाली है डेट मीन उतना स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाला है जिसकी वैल्यू अपनी कितनी होती है बेटा डैट इज एन आई जो यहाँ पर लर्निंग है वो यही है कि इसकी जो वैल्यू होती है अपनी डेट इज इक्वल टू होता है बेटा अपना एन आई ए आ रही बात समझ में इतना स्ट्रेंथ का ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है तो इस वाले कॉन्सेप्ट को आप नोट डाउन कर लो फिर इस बात को हम आगे डिटेल में डिस्कस ठीक है एम डेट इज इक्वल टू व एन आई ए इस पर अब हम न्यूमेरिकल्स की बातचीत करेंगे कैसा न्यूमेरिकल हमारा यहाँ पर फ्रेम हो सकता है कैसे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हमारे यहाँ पर बन सकते हैं इस चीज को बच्चों हम समझेंगे देखो क्वेश्चन समझ लो क्वेश्चन से ही चीजें हमें अच्छे से समझ में आती हैं मान लो आपको दिया हुआ है एक ही बार में मैं अच्छा क्वेश्चन ले लूंगा चलिए एक ही बार में अच्छा क्वेश्चन ले लूंगा ये कोई भी आपको ज्योमेट्री दी हुई है ठीक है हंसने की कोई बात नहीं है आसान है ऐसा नहीं है कोई टफ है एकदम आसान सा है आप बड़ी आसानी से कर लो ये कोई भी एक ज्योमेट्री दी हुई है इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई और आपको बोला है बेटा ये सर्किल हैं जिनकी रेडियस है ठीक है तो आपको बताना है इस लूप के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी ये जो लूप है इस लूप के लिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी इस वैल्यू को हमें डिटरमाइन करना है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को हमें निकालना है कि इसकी स्ट्रेंथ को क्या होगी चलो सोच के देखते हैं बेटा इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट की वैल्यू अपनी क्या होगी देखिए अगर मैं यहाँ पर बातचीत करूँ तो ये जो लूप है बेटा इसमें करंट फ्लो रहा है अपना आई आपने पढ़ रखा है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डेट इज इक्वल टू होता है करंट इन एरिया करंट पता लग जाए एरिया पता लग जाए ठीक है और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ये वेक्टर फॉर्म में आ गया तो लो जी एरिया वेक्टर तो सीधा सीधा बोल देता हूँ अंदर है तो ये तो आएगा तो माइनस के कैप में ठीक है बस आपको इसका एरिया लिखना है इतना सा लॉजिक है कितना होगा एरिया चलिए एरिया लिखते हैं ठीक है तो देखो बेटा इसमें कितने सर्किल हैं चार सेमी सर्किल हैं ठीक है ठेके? तो चार सेमी सर्किल का एरिया हो गया फोर आर स्क्वायर अपॉइंट फोर एक का पाई हो गया आर स्क्वायर अपॉइंट टू ये एरिया कवर हो गए ये वाला कवर ये वाला कवर ये वाला कवर और ये, कवर, ये अभी इतना सा एरिया और बच गया अगर आप इस चीज को देखोगे तो ये क्या है अपने आप में स्क्वायर है साइड कितनी है टू आर तो इसका एरिया क्या हो जाएगा साइड का स्क्वायर टू आर का होल स्क्वायर आ गया एरिया तो मैग्नेटिक टाइपुल मोमेंट क्या होगा आइए बस आ गया आंसर एकदम आसान है मैग्नेटिक टाइपुल मोमेंट लिखना बस आपको यह चेक करना होता है करंट कितना फ्लो हो रहा है और उसका एरिया कितना है अगर आपको करंट और एरिया के बारे में पता है तो आप आसानी से लिख सकते हो इसकी वैल्यू अपनी क्या होगी आई बात समझ में बस मुझे किस चीज़ का आइडिया लेना होता है कि लूप में करेंट कितना फ्लो हो रहा है एंड लूप का एरिया कितना है अगर आपको इन दोनों बातों का आइडिया है तो आप लिख सकते हो इसके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू अपनी क्या होगी सिंपल चलिए जैसे बेटा और भी क्वेश्चन इस पर अगर बन जाए तो बस हमें लॉजिक एरिया को लिखने पर लगवाना है एरिया को अगर हम लिख पाए तो हम आसानी से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को भी लिख सकते ठीक है स्टिल आपको अगर कहीं भी कोई भी क्वेरी आए आप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन अटैम करते हो अगर आप अटक जाओ तो आप पूछ सकते हो अपने रेस्पेक्टिव टेलीग्राम ग्रुप पे हालांकि इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये एकदम आसान है ये पूरा जो चैप्टर है ना ये चैप्टर क्या है कॉन्सेप्चुअल है आप अच्छे से सुन रहे हो कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हो तो आपको ये बेटा एंड तक याद भी रहता है ऐसा नहीं है इनको बार बार रिवाइज भी करना पड़ेगा क्लियर तो चलिए बच्चों अब स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो नाउ विल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो बाय बाय